दोस्तों, रमी कल्चर पे आप शो कैसे बनाती है इसके बारे में बताऊंगा, और इनप्योर सेट और सीक्वेंस कैसे बनाती है इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूले। मैं हूँ टेक्निकल भी, तो वीडियो स्टार्ट कर दें। दोस्तों, ये देख लीजिए, रमी कल्चर ऐप ओपन कर लिया है। ऐप ओपन करने के बाद अभी आपको जाना है, ट्यूटोरियल पे जाना है, ट्यूटोरियल पे टच कर लेना है। तो मैं ट्यूटोरियल पे टच कर लेता हूँ, तो आप यस पे क्लिक कर लेना है, स्टार्ट ट्यूटोरियल हो जाएगा। आपको ट्यूटोरियल स्टार्ट होने के बाद अभी आपको गेम खेलने के लिए आ जाएगा, एक प्लेयर आ जाएगा आपके सामने। तो ये देख लीजिए, आपके सामने ट्यूटोरियल स्टार्ट हो गया है। 7 नंबर जोकर है, टिप्स जोकर। ये देख लीजिए, साइड पे आपको टिप्स दिया गया है। आपको टिप्स देने के लिए आपको कौन कौन से जोकर है उस पर आपको दिखाएंगे। ये जे वाला जोकर है आपको, ये देख लीजिए, जे वाला 7 नंबर जोकर है। तो मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, और नीचे आपको शॉर्ट पे क्लिक कर लेना है। तो मैं शॉर्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। शॉर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये देख लीजिए, 1 नंबर हुकुम का लेने के लिए बोल रहा है, तो मैं 1 नंबर को ले लेता हूँ। तो ये देख लीजिए, आपके सामने मैंने 1 नंबर को ले लिए, और उस पर क्लिक करने के लिए बोल रहा है, तो मैं क्लिक कर लेता हूँ। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये हो गया प्योर सिक्वेंस, और ग्रुप बना लेते हैं। ये हो गया प्योर सिक्वेंस। ये आपके सामने 3 कार्ड सेम फेज वाले है, उस पर प्योर सीक्वेंस माना जाता है। हुकुम के इक्का दुक्का और टिक्का, ये सेम टू सेम फेस वाले, उसको प्योर सीक्वेंस माना जाता है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अभी प्योर सीक्वेंस के बाद आपको दिखाएंगे इनप्योर सीक्वेंस कैसे बनाते हैं। ये देख लीजिए, ये हुकुम का 8 नंबर, 7 नंबर जोकर, कौन सा भी जोकर कहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो सेट बनाने में, आप प्योर बनाने में, इनप्योर बनाने में, कौन सा भी पत्ता जोकर फ्लेक्सिबल पत्ता है, कहाँ पे भी लग सकता है और आप कहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। 10 नंबर और गुल्लम, ये हुकुम का पत्ता है और ग्रुप बनाने में एक काम लग जाता है। ये देख लीजिए सीक्वेंस, ये प्योर सीक्वेंस है। उसे प्योर सीक्वेंस कब माना जाता है, उसके 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और गुल्लम, ये हुकुम का तीनों का तीनों पत्ता है, और 7 नंबर जोकर है, उस पर 7 नंबर डाल दे तो ये 9 नंबर हो गया हुकुम का। तो पूरा का पूरा सीक्वेंस भी रेडी हो गया है, इनप्योर सीक्वेंस। ये देख लीजिए आपके सामने, ऊपर आपको दिखा भी दे रहा है इनप्योर सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, जोकर के साथ हुकुम का 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ए गुल्लम, ये पूरा का पूरा हो गया। और अभी नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने में आपको सेट कैसे बनाते हैं अभी दिखाता हूँ। और 2 नंबर को टच करने के लिए बोल रहा है, और डिस्कार्ड करने के लिए बोल रहा है, डिस्कार्ड कर दे दे। ये देख लीजिए, आप 2 नंबर को डिस्कार्ड कर लेते हैं, 5 के 2 नंबर को डिस्कार्ड कर दिया मैंने। डिस्कार्ड करने के बाद साइड वाले ने खींच लिया, साइड वाले ने खींचने के बाद अभी कौन सा पता देगा, ये बेगम दे दिया, बेगम तो नहीं चाहिए। तो ये देख लीजिए, खेलने के लिए बोल रहा है क्लोज डिक, तो मैं खेल लेता हूँ। खेल लिया, बादशाह आ गया, बादशाह लेके रखता हूँ, मेरा शेड बन गया। तो आपको शेड कैसे बनाते हैं ये देख लीजिए आपके सामने, ये आपके सामने सिंपल स्टेप है ये सेट बनाने के लिए। ये सिंपल का स्टेप आपका बन गया है, ये देख लीजिए आपके सामने, ग्रुप बनाने के लिए सिंपल सा स्टेप हो गया। टिप सेट सेम पत्ता है, और अलग अलग फेस वाला पत्ता है। बादशाह, ये देख लीजिए आपके सामने, तीनों के तीनों पत्ते अलग अलग फेस वाले पत्ते ये आपके सामने दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए, तीनों के तीनों बादशाह, इसको बोलते हैं सेट। अभी नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते, और अभी 5 नंबर को डिस्कार्ड करने के लिए बोल रहे हैं। अभी मेरा प्योर सीक्वेंस हो गया, सीक्वेंस हो गया, सेट हो गया। अभी एक सेट बनाने के लिए बाकी है, तो मेरा शो कंफर्म हो जाएगा। तो 5 नंबर को, 5 के 5 नंबर को मैं डिस्कार्ड कर लेता हूँ। डिस्कार्ड कर लिया, डिस्कार्ड करने के बाद अभी मेरा 3 ऑलरेडी कार्ड हो गए है, सेट सीक्वेंस और प्योर सीक्वेंस। ये प्योर सीक्वेंस ज़रूर है आपको शो मारने के लिए। और अभी आपको 10 नंबर लेने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं ले लेता हूँ। ये देख लीजिए आपके सामने, 10 नंबर ले लिया, और ये देख लीजिए 10 नंबर को ग्रुप बनाने के लिए हो गया। ये मेरा पूरा का पूरा शेट रेडी हो गया, ये पूरा का पूरा। ये देख लीजिए, टिप्स वैली डिक्रेस प्योर सीक्वेंस, ये प्योर सीक्वेंस हो गया, ये सीक्वेंस हो गया। ये देख लीजिए, 7, 8, 9, 10 और गुल्लम, ये हुकुम का आपके सामने सीक्वेंस हो गया। ये आपको ऊपर फर्स्ट टाइम दिख रहा है, ये प्योर सीक्वेंस हो गया, सेकंड सीक्वेंस हो गया, थर्ड सेट हो गया, फोर आपको सेट हो गया। और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, ये पूरा का पूरा हो गया, तो अभी शो मार सकते हैं आप। ये देख लीजिए आपके सामने, 2 नंबर का मैं शो मार सकता हूँ। ये देख लीजिए आपके सामने शो हो गया, और डिक्लेयर पे क्लिक कर लेना है। डिक्लेयर पे क्लिक करने के बाद, आर यू श्योर यू आर वॉन्ट टू डिक्लेयर, तो यस पे क्लिक कर लेना है। यस पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपको फर्स्ट गेम कॉन्ग्रेचुलेशन यू वन आ गया है। तो आप एक बार फिर खेल सकते हो तो खेल सकते हैं, आपकी मर्जी, आप
आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से खेल भी सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।